लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन वे खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। हमें समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, ना कि समस्या का हिस्सा। आप अपने हालात के कारण दुखी नहीं हैं, आप अपनी कल्पना के कारण दुखी हैं। हमारे लक्ष्य हमारे नहीं हैं, ये दूसरों के उधार लिए गए हैं। जो भी ट्रेडर्स में होता है वही आपका लक्ष्य बन जाता है। अगर आप समझदार इंसान हैं तो आप वो करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर आप जीनियस हैं तो आप वो करेंगे जिसकी ज़रूरत है। हम मिट्टी पर बैठे हैं, हमें विश्वास नहीं होता कि एक दिन हम इसी का हिस्सा बन जाएंगे। केवल दुखी लोगों का जीवन लंबा और उबाऊ होता है, आनंदित लोगों का जीवन बहुत जल्द गुजर जाता है। आपके लिए आपका जीवन महत्वपूर्ण और कीमती है, तो आप इस जीवन को वैसे काम में लगाएंगे जो वाकई में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आपने कितना शानदार जीवन जिया यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में आप मिट्टी में ही मिल जाएंगे। आपका जीवन आपका कर्म है, आपका जीवन आपने खुद बनाया है, कोई ऊपर बैठा आपको नियंत्रित नहीं कर रहा है। अगर आप किसी से बात करें तो आप यह सोचें कि मेरे जीवन के आखिरी शब्द हो तो मुझे क्या बोलना चाहिए, जिसके लिए बाद में मुझे पछताना ना पड़े। आप चिंता ना करें, इस संसार में आपका रोल इतना छोटा है, अगर आप इस संसार को छोड़कर चले भी जाएं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जीवन ऐसे जीना चाहिए, जब तक आप जिए लोगों को आपके साथ जीने का मज़ा आना चाहिए, और जब आप मरे तो उनको आपकी कमी महसूस हो। पुरानी आदतें जो बन चुकी हैं, अगर आपको उनसे बाहर आना है तो आपके पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। कर्म को तभी तोड़ा जा सकता है जब आपके पास जरूरी ऊर्जा हो। अगर आपको सड़क पार करनी हो तो आपको साफ दृष्टि की ज़रूरत होगी, ना कि आत्मविश्वास की। अगर आप जीवन को हर दिन एक नए नज़रिए से देखें तो जीवन में हर दिन आपको एक नई संभावना दिखेगी। मन खोज करने का एक जरिया है, ना कि अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने का। ज़्यादातर लोग मन द्वारा ही अंतिम नतीजे पर पहुंच जाते हैं। जीवन में कुछ भी कीजिए, पूर्ण भागीदारी के साथ कीजिए। ज़्यादातर इंसान दुख के डर से केवल आधे कदम उठाते हैं, वे बस सोचते हैं कि अगर ये हुआ तो मेरा क्या होगा, अगर वो हुआ तो मेरा क्या होगा। मृत्यु अचानक घटित नहीं होती, यह निरंतर घटित हो रही है, बस आप इससे अनजान हैं। जीवन और मृत्यु कोई अलग-अलग चीज़ नहीं है, आप हर पल मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं। आप इस बात से डरते हैं कि कल मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर आप जानते हैं कि अभी इस पल को कैसे संभालना है, तो आप जान जाएंगे कि पूरे जीवन को कैसे संभालना है। जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है वो पहले से ही सृष्टि में किया जा चुका है, बतौर मनुष्य हम बस उसकी नकल कर सकते हैं, बना नहीं सकते। कोई इंसान क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि इंसान लगातार अपनी क्षमता बढ़ा सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, जब आप शांत, खुश और स्पष्ट हों और अपने आसपास की चीज़ों से प्रभावित हुए बिना कोई निर्णय ले। अगर आपके पास संतुलन है तो आप ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, वरना जमीन पर रहना ही ठीक है। बिना संतुलन के आज़ादी
अराजकता है। कर्म का मतलब किस्मत के भरोसे रहना नहीं, कर्म का मतलब है अपनी किस्मत का मालिक खुद बनना। अगर आप तनाव में हैं, इसका मतलब आपने बुद्धि को तनाव के लिए चुन लिया है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। अगर आपकी बुद्धि काम करती है तो आप अपने लिए क्या चुनते, आनंद या तनाव? जाहिर सी बात है, आनंद। जीवन के आखिरी दिन तक आप तय नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि कोई ना कोई होगा जो आपसे कहेगा कि आप गलत कर रहे हो। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता को मत खोजिए, क्षमता सशक्तिकरण को खोजिए। अपने सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ मत करिए। कितना अच्छा होता अगर ये दुनिया बच्चों द्वारा चलाई जाती, क्योंकि वे किसी और की तुलना में जीवन के ज़्यादा करीब होते हैं। मैं तुम्हें बदलना चाहता हूँ, ये क्रांति नहीं है, मैं बदलना चाहता हूँ, अब ये एक क्रांति है। इस ग्रह पर हर दूसरा प्राणी अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है, केवल मनुष्य ऐसा करने में संकोच करते हैं। आप जो जानते हैं वह बहुत कम है, आप जो नहीं जानते वह एक अंतहीन संभावना है। जीवन कोई समस्या नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। सवाल यह है कि आपने खुद को इस प्रक्रिया के लिए तैयार किया है या नहीं। जिम्मेदारी का मतलब है जीवन में आने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम होना। कुंठा, निराशा और अवसाद का मतलब है कि आप अपने खिलाफ काम कर रहे हैं। आप अपने आप को एक अस्थि समझते हैं, लेकिन इस धरती पर आप एक बुलबुले की तरह हैं और एक दिन आप बुलबुले की तरह गायब हो जाएंगे। अगर आपके आसपास की कोई चीज़ या कोई व्यक्ति आपकी खुशी, आनंद और दुख को तय करता है तो आपके खुश होने की संभावना बहुत कम है। आपकी ज़्यादातर इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं होती, बस उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठा लेते हैं। एक गुरु कोई भी नहीं होता जो आपके लिए मशाल पकड़ता है, वो खुद मशाल होता है।